सिंह राजपूत की मौत अभी तक उनके फैंस और चाहने वालों के लिए रहस्य बनी हुई है। 4 महीने से ऊपर हो गए इस केस की जांच आज भी जारी है। बीते दिनों इस मामले में एम्स ने अपनी फॉरेंसिक जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। ऐसे में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, केस में शुरुआत से ही न्याय की मांग कर रहे भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से एम्स की रिपोर्ट की समीक्षा की मांग की। साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर प्रधानमंत्री की ओर से उनके पत्र पर कोई जवाब नहीं आता है तो वो अदालत भी जा सकते हैं। इस बात की जानकारी ट्विटर पर उन्होंने देते हुए लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी को लेकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता की स्पेशल समिति के निष्कर्षों की समीक्षा पर पीएम का जवाब नहीं मिलता है तो मेरे पास जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मुझे ये जानने का अधिकार है कि सुशांत की जान कैसे गई। तो आप देख सकते हैं कि केस को लेकर शुरुआत से मुखर रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधा सीधा पीएम मोदी को चेतावनी दी है कि अगर वो ध्यान देते हैं तो ठीक, वरना वो कोर्ट की ओर रुख करेंगे। सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी उनके इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी वो ट्विटर पर रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और मुंबई पुलिस पर क्राइम सीन को सील न किए जाने की वजह से सवाल भी उठा चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कही गई ये बात पीएम मोदी तक पहुंचती है या नहीं।